अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको ब्राउन चिकन की रेसिपी दूंगी। ब्राउन चिकन एक सालन होता है जो साउथ इंडियन लोग बनाते हैं, राइट। तो उसकी रेसिपी आप नोट कर लीजिए। उसके लिए हमें चाहिए ये आधा किलो चिकन है मेरे पास, थोड़ी सी ज़्यादा है तो आधा किलो चिकन ले लीजिएगा। दो प्याज हैं जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। तीन टमाटर हैं जिन्हें मैंने छीलकर और चॉप कर लिया है, राइट। मसालों में हमें चाहिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, साबुत गरम मसाला जाएगा, वह काली मिर्च हैं, लौंग हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा और 4 टेबल स्पून दही जाएगी फिटी हुई, और लास्ट में हम ये हरा धनिया हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे और ये बनेगी सरसों के तेल में, राइट। हमें 1/2 कप सरसों का तेल चाहिए। गरम हो चुका है, ये सरसों के तेल में बनती है। हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे और उसके साथ ही हम फौरन इसमें अपनी ये सॉफ्ट हुई प्याज डाल देंगे। जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तब हम इसमें टमाटोज ऐड कर देंगे और सारे मसाले ऐड कर देंगे, और मसालों के साथ ही फिर हम चिकन डाल देंगे। जब हमारी चिकन गल जाएगी तो तब हमारा जो है ब्राउन गोश्त रेडी हो जाएगा, राइट। अभी मैंने प्याज डाली है, जैसे ही हमारी सॉफ्ट होगी हम इसके अंदर टमाटोज ऐड कर देंगे। सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ये जो मैंने छील के 3 टमाटर चॉप किए थे ये मैं डाल दूंगी इसमें, और साथ में मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट भी डाल दूंगी, राइट। ये डालकर हम इसे टमाटोज को हम गलाएंगे, ये डाल दूंगी मैं, और साथ में जो है मैं सारे मसाले भी इसके साथ ही ऐड कर दूंगी, राइट। ये कुटी हुई लाल मिर्ची हो गई, राइट, पिसा हुआ धनिया हो गया, हल्दी डाल देंगे हम इसमें, राइट, और ये जीरा पाउडर है ये हम इसमें डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, और अब हम इसे रख देंगे ताकि हमारा जो है मसाला अच्छी तरह भुन जाए। जब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, राइट। तो मैं इस तरह इसको भून के और इसे भी भून लूँगी। ये देखें हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। देखें बिल्कुल भुन चुका है। अगर आपके टमाटर ना गलें तो आप इसको जो है मैशर आता है उससे आप मैश कर लीजिएगा। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, राइट, हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम चिकन को, उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे और दही के पानी में ही ये चिकन गल जाएगा, और लास्ट में हम इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें ये डाल देंगे, राइट। अब हम इसमें दही डाल देंगे, इस दही के पानी में हमारी चिकन गल जाएगी, राइट। 4 टेबल स्पून ये दही है, दही कोशिश करें खट्टी लें, खट्टी दही से अच्छा टेस्ट आता है, या घर में रखी हुई दही हो वो ले लें। आपने अच्छी तरह इसको मिक्स किया, स्लो हीट पे आपने रख दिया ये दही के पानी में। हमारी जब हमारी चिकन गल जाएगी तब हम इसमें ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसे दम पे रख देंगे। इस तरह हमारा ब्राउन गोश्त रेडी हो जाएगा, ब्राउन चिकन, राइट। देखें हमारी चिकन अब गल चुकी है, राइट। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी। अगर आपको भुनावा चाहिए तो आप भुनावा रहने दें, राइट। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये हरी मिर्चें मैंने इस फॉर्म में काटी हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप बारीक काट लीजिएगा, और हरा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब डाल के हम इसे दम पे रख देंगे। 5-10 मिनट हम दम पे रखेंगे, इसके बाद हमारा ब्राउन गोश्त रेडी है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, राइट। अब मैं इसको दम पे रख लूँ, इस बाद में आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा, राइट। हमारा ब्राउन गोश्त अब रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी सालन होता है और ये पराठे के साथ, चपाती के साथ बहुत मज़ा देता है, राइट। और इसे सरसों के तेल में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि सरसों के तेल में ही इसका टेस्ट निकल कर आता है, राइट। और बहुत झटपट बनने वाली डिश है ये, कभी मेहमान आ जाएँ तो आप फ़ौरन इसको जल्दी जल्दी बना सकती हैं। तो आप इसे मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, राइट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।